तो जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे, एक दीवार और पेट की चर्बी बिल्कुल गायब। जी हाँ, आज ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए ऐसी एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ जिसे आपको सिर्फ दीवार के साथ करना है। दीवार के साथ करके इन एक्सरसाइजेस से आप अपने पेट की चर्बी को बिल्कुल गायब कर सकते हो और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो जानना चाहते हो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ दीवार के पास, लेट चुकी हूँ, पैर है मेरे दीवार पे। आपको भी इस तरीके से लेटना है। आप चाहें तो वॉल के साथ, कबर्ड के साथ, वार्डरोब के साथ, अलमीरा के साथ, किसी के साथ भी अपने पैरों को इस तरीके से रख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने कहा, हम करने वाले पेट की चर्बी कम और अपनी बॉडी के अंदर लाने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी। तो क्या करना है, अपने पैर को इस तरीके से रखना है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, और एक पैर को इस तरीके से फोल्ड रख लेंगे और ये वाला पैर हम थोड़ा सा दूर रखेंगे। अब आपको क्या करना है, हाथ को ऊपर लेके जाना है और वॉल को टच करना है लाइक दिस, ठीक है। इस वाले पैर को आप स्ट्रेट रखेंगे, इस वाले पैर को आपको बैंड रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 हमने इस लेग से कर लिया, 5 हम इससे करेंगे, ये अब इसको ऐसे, एंड 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इसको आपको दोनों साइड से 30-30 करना है, 30 राइट से, 30 लेफ्ट से, और इसके आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करना है। ये आपकी हेल्प करेगी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने में और आपके पेट की चर्बी को कम करने में। पर आप फील करेंगे कि इसमें आपके हाथ भी यूज हो रहे हैं, आपके पैर भी, तो यानी कि ये आपको देने वाली है बहुत ही अच्छा रिजल्ट। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को इसी तरीके से रखना है, एंड जब आप ऊपर आएंगे तो पैरों को आपको ओपन करना है। किस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। लाइक स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इसको भी आपको 30 टाइम्स करना है, और मेरा पेट तो बहुत अच्छे से यूज हुआ है, फील हो रहा है। तो इसको आपको 30 टाइम्स करना है और इसके आपको 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे हमने अपने पैरों को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करी और पेट को कम करने की कोशिश करी है। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, आपको क्या करना है, अगेन अपने पैरों को इस तरीके से रखना है, पैरों को ओपन एंड टच योर टोज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इसको भी आपको 30 टाइम्स करना है और इसके 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। बढ़ते हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको क्या करना है, ये अपने पैरों को इस तरीके से रखना है और नी से ऊपर आपको अपने हाथों को लेके जाना है, हाथ यहां रहेंगे, एंड ध्यान रखिए आपको पैरों को बैंड नहीं करना, स्ट्रेट, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेच होगी, साथ ही आपका कोर यूज होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। इसको आपको 30 टाइम्स करना है और इसके 3 राउंड्स कंप्लीट करेंगे। एंड बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि हम कंटिन्यू करते हैं तो हम थक जाते हैं, तो आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज को करना ही नहीं है, आपको एक एक्सरसाइज का एक राउंड करना है, 30-40 सेकेंड का रेस्ट लेना है, फिर सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है। जब आपकी एक एक्सरसाइज के 3 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, देन आपको 1 मिनट का रेस्ट लेना है, 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक का रेस्ट लीजिए, देन आपको सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। या फिर आप जब स्टार्ट कीजिए, आपको लगता है हाँ अब आपकी बॉडी रिलैक्स है, आप सेकेंड राउंड अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, देन आप सेकेंड राउंड परफॉर्म करेंगे, सेकेंड एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको सारी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना होता है।
बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने एक एक पैर को आगे लेके आना है एंड टो को टच करना है, ठीक है। कोशिश करिएगा अगर टो टच नहीं हो रहे, इट्स फाइन। नाउ योर हैंड्स लाइक दिस एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स। टोटल आपको 40 करने, यानी कि 10 राइट से 10 लेफ्ट से, आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, या पहले एक राइट से पहले लेफ्ट देन लेफ्ट से, इस तरीके से करके आपको इसके भी 3 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। तो आज की एक्सरसाइजेस हमारी यहाँ पे डन होती हैं। आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए एंड साइड टर्न होके बैठ जाइए। तो आज की जो एक्सरसाइजेस थी वो यहीं तक थी। बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस है, आप इनको जरूर ट्राई कीजिए और फुल ऑन जोश के साथ। लेकिन आपको एक्सरसाइज करने से पहले, वर्कआउट करने से पहले, डाइट को अच्छे से फॉलो करने से पहले, या कुछ भी आप फॉलो कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव होना होगा। पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाँ, जो चीज मैं करूंगा करूंगी उससे मुझे रिजल्ट जरूर आएगा, ठीक है। तो ये सोच के आपको जरूर स्टार्टअप करना है। कोई भी चीज है, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको खुद पॉजिटिव होना है, मोटिवेट रहना है। तो इस चीज को लेके, इस थिंकिंग को लेके आपको किसी भी चीज को स्टार्ट करना है। तो आज का जो वर्कआउट था, जो वीडियो थी, वो मेरी यहीं तक थी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आज की एक्सरसाइजेस कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जितना हो सके उतना करिएगा, ताकि मुझे भी आपका ढेर सारा प्यार मिल सके। तो मिलती हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बी पॉजिटिव। बाय बाय।